हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सारा हमारे साथ जुड़ी हुई है, सारा शाह हलीम सामाजिक कार्यकर्ता है। सारा, क्या आमिर खान को माफी मांगनी चाहिए? मेरा फिर वही सवाल है। माफी देखिए, अगर कोई गलती करता है तो माफी करते हैं, तो वो एर्दोगन से तो नहीं मिले, ना वो किसी विवाद से जुड़े हैं, उनने एक कर्टसी कॉल करा है। अभी हम लोग क्यों बुली होंगे राइट विंग की? उनकी एक अपनी एक राय है, उनका सोच है, वो कट्टरपंथी है, क्योंकि ये कट्टरपंथी पूरा ये विश्व में छाई हुए। मैं मानती हूँ एर्दोगन की जो है थोड़ी पॉलिसीज वो है कट्टरपंथ, क्योंकि जब हागिया सोफिया का जो कन्वर्शन हुआ था फ्रॉम अ म्यूजियम, वर्ल्ड फेमस म्यूजियम, इनटू ये मॉस्क, तो मैंने इसके खिलाफ, मैं सबसे पहले सोशल मीडिया में इसके खिलाफ मैंने ही जाके ट्वीट किया था और लिखा था। तो अगर आपने जो बात कही, चूंकि इसीलिए मुझे लगता है कि आपसे उपयुक्त व्यक्ति कोई नहीं हो सकता जिससे सवाल पूछा जाएगा। जब आपने कोई गलत चीज देखी तो तुरंत उसका प्रतिकार किया, तुरंत उसका आपने वहां पर विरोध किया, ठीक है ना? इब्राहिम के साथ तो नहीं घूम रहे, नहीं, exactly. ना वो कोई शासन कर रहे हैं, तो अभी ये बात का बदंगड़ बना जाए, वो फर्स्ट लेडी को एक नहीं। सारा, इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ, इसीलिए आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आमिर खान पर जब इतने सवाल उठ रहे हैं तो वो आकर इस पे स्पष्टीकरण दे दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, वो आ जाए बात कर दें? स्पष्टीकरण दे सकते हैं, लेकिन जब उनने कोई गलत काम किया ही नहीं, वो आपको तो पता है उनने सामाजिक जो जितने भी यहाँ पे ये इश्यूज हुए हैं हिंदुस्तान में, कितना बड़ा उनका योगदान हुआ है, आज से ही नहीं सालों साल से, कितना करोड़ों अरबों का रुपया उनने कंट्रीब्यूट किया है सोशल इश्यूज पे लेके। उनकी पिक्चरें भी देख लीजिए, हर जो उनकी पिक्चर है, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, मैं सहमत हूँ आपसे, लेकिन उनको अपॉर्चुनिस्ट भी कहा जाता है। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि वो अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए इस तरीके का कोई शगुफा छोड़ देते हैं और उनका काम हो जाता है। देखिए, अपॉर्चुनिस्ट कौन नहीं है, आप बताइए। अक्षय कुमार जी ने अपनी जो क्या कहते हैं ये इंडियन नेशनैलिटी जब छोड़ी, क्योंकि उनको लगा कि मुझे कैनेडियन नेशनैलिटी मिल रही है, तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं हुई। अभी अमिताभ बच्चन तेल से लेके मक्खन बेचते हैं, तेल से लेके पाउडर मक्खन, ठीक है सारा, कुल मिला के मुझे लगता है कि जो नहीं, मुझे लगता है कि जो कोशिश या जो जिस तरीके के सवाल उठ रहे थे आप भी उसी में बहती हुई दिखाई पड़ी। मुझे लग रहा था कि आपसे कुछ रेशनल बात आएगी, लेकिन ऐसे आई नहीं। और कहीं ना कहीं राजकिशोर, एक जैसे हमने सायरा को सुना, हमें ऐसा लगा कि खान्स वर्सेस अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन करने की कोशिश की गई।